हाँ तो भाइयों, हम निकल गए गुजरांवाला से लाहौर की तरफ, और लाहौर पहुंच के हमने एक गेस्ट हाउस में स्टे किया जो कि बहुत मुनासिब पैसों में हमको मिल गया। लेकिन उस वक्त हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोटोज़ या वीडियोस को बना सकूं, तो मैंने सोचा सुबह उठ के आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू बनाऊंगा, और ये रिव्यू आपको अभी मुलाहजा फरमा रहा हूँ। तो ये देखें, ये हेवेंस होटल है लाहौर पे कैनाल रोड पे। यहाँ पे होटल क्या कह सकते हैं, ये एक तरह से गेस्ट हाउस है। और यहाँ पे आप देखें, हम इस तरह से ये इसका लोकेशन गेस्ट हाउस का। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमें होटल हेवन वालों ने सर्व किया। आप ये देखें होटल का रूम का एम्बियंस है। फिर हम लोग चले गए पैकेजेस मॉल, वहाँ पे कुछ स्नैप्स ये आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मगर एज यूजुअल कराची में भी ऐसे मॉल्स हैं तो हमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं दिखी जिससे मैं वहाँ कोई वीडियो बनाता या आपसे कुछ शेयर करता, मगर जो भी है ये मैं आपसे कुछ भी शेयर कर रहा हूँ। फिर वहाँ से हमने फूड कोर्ट से खाना खा के हम निकल गए पैरिया टाउन लाहौर की तरफ। वहाँ हमें सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगी एफिल टावर, और एफिल टावर पे हमने कुछ स्नैप्स लिए हैं, ये भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद जो हमारा प्लान हुआ, वो प्लान ये हुआ कि हम जाएंगे हवेलिया रेस्टोरेंट जो मीनार पाकिस्तान के पास है, तो इसका छोटा सा रिव्यू मुलाहिज़ा फरमाएं। ये हवेली रेस्टोरेंट में आपकी रिकमेंडेशन पे है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? मैं अपने दोस्तों को बेहद इस बार हवेली रेस्टोरेंट लेकर के आया हूँ, जिसका मैं पहले तजुर्बा अपनी फैमिली के साथ और दीगर मामला पे कर चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ इनको भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होकर के इसको पसंद करेंगे। हाँ तो फूड सर्व किया है इन्होंने, और फूड में बेहतरीन चीज़ें जो थी इनकी, ये मटन कढ़ाई है जो कि बहुत ही डिलीशियस थी। ये देखिए ये सर्व कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं व्यू से कि कितनी टेंडर और बेहतरीन तरीके से जो है इसे सर्व किया गया। और इसके बाद हमें सर्व किया है ये प्लेटर जो इनफ है 5 पर्सन के लिए। हमने थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लिया था क्योंकि हमने जो है लंच हल्का किया था। तो ये देखें क्वालिटी, उफ मज़ेदार प्लेटर था, हमने बहुत मज़े से इंजॉय किया। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे हवेली रेस्टोरेंट की लगी, वो वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का माहौल, ये जो थीम बादशाही मस्जिद की और लाहौर फोर्ट की बैक साइड पे आ रही है, और मौसम इतना ठंडा, हमने बहुत इंजॉय किया। यह व्यू जो कैमरे में देख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा बेहतर रियल में लगता है, और डेफिनेटली वहाँ विज़िट करें, यू विल इंजॉय आई एम श्योर। और ये देखें ऊपर से मैंने वीडियो बनाई है नीचे का व्यू, बहुत हम 4th फ्लोर पर हैं टेक्निकली। और फिर हमने यहाँ से रवानगी का सफ़र शुरू किया। खाना बहुत अच्छा लगा आमिर भाई, सच्ची बात है, बेहतरीन और बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा और हवेली का। ये है तंदूरी चाय। अच्छा किस तरह बनाते हैं आप भाई तंदूरी चाय? के अंदर मटका लगा हुआ है, इसको निकाल दो बॉइल करके इसमें। अच्छा ये मटका है, इसको बॉइल। वाह आप पियोगे? नहीं पियोगे आप? आप पियोगे ये चाय? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सक्सेसफुली लेफ्ट द लाहौर फ्यू मिनट्स अगो।
हमने अभी कुछ देर पहले लाहौर छोड़ा है और अलहमदिल्ला अब इस वक्त हम रवा दवा है फैसलाबाद की जाने। वहाँ हमारा घंटे भर का क्याम है, इंशाल्लाह आपसे दो घंटे बाद फैसलाबाद में घंटे भर का क्याम और फिर वहाँ से रिटर्न होकर के हम मुल्तान की तरफ जाएंगे। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं सर। मुल्तान के बाद फिर नाइट स्टे करके फिर वापस? जी हाँ, इंशाल्लाह मुल्तान के बाद नाइट स्टे करेंगे मुल्तान के और फिर वहाँ से डायरेक्ट वाया सखर जो है ना बाई रोड इंशाल्लाह हम कराची के लिए। रोड दिखाएंगे फैसलाबाद। गाजर का जूस ना क्या फायदा? क्या आ जाए। तो इसमें जो है वो चकूतरा और गाजर मिला के कितने का पड़ेगा? चकूतरा और गाजर का मिला के कीनू और गाजर आप पियेंगे बॉस? पियेंगे ना आप पियेंगे? गाजर कितने की है भाई? ये बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। जबरदस्त। बहुत ज़्यादा ये रेट्स देख के हैरत हुई कि बकरी का गोश्त जो है वो 950 और मीट का जो गोश्त यानी बछिया का गोश्त 450 का था। ये शॉप के अंदर मैं दाखिल हुआ फिर इनसे मैंने बात की। अस्सलाम वालेकुम भाई यार, क्या है? तो कराची से आए हम लोग, तो हम देख रहे थे कराची में जो है बकरे का जो गोश्त है 1400 रुपये किलो है। हाँ, और बछिया का गोश्त जो है वो तकरीबन 850 रुपये। यहाँ पर तो रेट आधा है बकरे का है ना? ये बड़े का 450 मतलब बच्चिया होती है यार, बहुत सस्ता है यार। यहाँ पे अब ये पी के बताएं कैसा लगा आपको? जबरदस्त है, स्वाद आ गया है, जबरदस्त। जूस दिखाएं, जूस शक्ल दिखाएं, जूस शक्ल दिखाएं। खाने के लिए हमने अभी खाना खा रहे हैं मुर्ग पुलाव जो कि फैसलाबाद का है, बहुत शानदार देसी मुर्ग पुलाव, देसी मुर्गी का मुर्ग पुलाव था। ये जहांगीर साहब का है और ये देखें ये जहांगीर का देसी। ये भाई कैसा लगा आपको रिव्यू? मज़ा आ रहा है आप लोगों को? आमिर भाई, ये आमिर भाई हमारे, ये इन्होंने जहांगीर का मुर्ग पुलाव रखा। ये मीठे चावल है, बताएंगे मीठे चावल के बारे में बताएं प्लीज़। माशाल्लाह यार मज़ा आ गया। शामी का विदेश में मुल्तान में ना इस वक्त हम लोग? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान। ये है मियां मोहसिन जी मुर्ग चने वाले और नान चने हम खाने आए हैं। नान चने खाने आए हैं, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट बताएंगे। सही है, ये देखें बेहतरीन नान चने। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है सर? बहुत सर। ये कौन से चने? सर लोरी चने में मुस्लिम वाला। वाह, तो आ गया अब टेस्ट का मज़ा समझ आ रहा है? अब मज़ा आ रहा है। असल में कराची वाले जो है वो तेज़ खाने के शौकीन है, तो ये इसका जायका अब समझ आना शुरू हुआ थोड़ी बार खाने के बाद। और ये रायता है और लस्सी भी आ गई है, ये देखिए लस्सी, स्पेशल लस्सी। समझ में आया? पियेंगे लस्सी? कराची जैसी है या उससे अच्छी है? उससे अच्छी है, स्वाद आ रहा है, सही है। ये कोई कुछ आ गया भाई, हमारा हाथ नहीं रुक रहा है। पूरे लाहौर से लेके गुजरांवाले से लेके हमें ऐसी चाय नहीं मिली जो हमें मुल्तान में मिली, ज़बरदस्त। हाँ तो भाइयों, ये जो ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस रहा मुल्तान का बहुत ही अच्छा रहा और मुर्ग चने खाए बहुत ही गुंजाने लगा है, या देख सकते हैं मेरे पीछे। और अब हम जाएंगे कराची की तरफ, यहाँ से सीधा कराची से मुल्तान बॉर्डर पे पकड़ के सखर जाएंगे और सखर से फिर कराची जाएंगे।
जी सर, आप कहाँ पहुँचे अभी? आप रॉयल ताज मोरू पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। रॉयल ताज पहुँच गए, लेकिन थकावट तो लगेगी जाहिर है, अब आए हैं तो यहाँ पे थकावट तो लगेगी। आखिरी हमारे स्टॉप है खाने का, फिर घर की तरफ जाएंगे। हमें रिकमेंड किया है जी। समद भाई, आपने क्या क्या खाया? चिकन बरखा टाइप की चीज़। चिकन क्या? चिकन भरता। चिकन भरता, ओके। खा तो वैसे वो रोटी वाला आइटम, चाइनीज आइटम था। ठीक है, ठीक है, बहुत सबसे अच्छा था, मस्त था। अच्छा, चिकन भरता और क्या खाया? चिकन चिली ड्राई भी अच्छा था, ओके। चिकन बिरयानी खाई, वो उससे मज़ा नहीं आया। चिकन बिरयानी मज़ेदार नहीं थी, मटका बिरयानी। ठीक है, और खाना मास्टर अच्छा था, ओवरऑल खाना अच्छा था। कश्मीरी चाय भी अच्छी थी भाई। अब हम यहाँ से फिर फाइनली कराची की तरफ रवाना है। सफर अच्छा गुजरा, सफर माशाल्लाह अच्छा गुजरा।